जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला यूट्यूब सेंटर सॉरी ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन। छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन का हमने दो तीन वीडियो पहले से डाल रखा है, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन क्या होता है। भौतिक विभाजन का मतलब हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो मैप है ना, या फिर हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी भूभाग हैं है ना। वैसे मैप मुझे प्रॉपरली बनाना नहीं आता, ठीक है, फिर भी मैं एक अंदाजी मैप बना रहा हूँ। ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप मान लीजिए, इसका भौतिक विभाजन कर रहे हैं। भौतिक विभाजन करने का मतलब कहाँ मैदान है ना, कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ आपके जलवायु परिवर्तन संबंधित कोई चीज़ है, हाँ नदियाँ बेसिन, इन सब के मिलने से कोई एक एक अलग से वो बनता है ना स्वरूप। जैसे अगर मध्य में देखा जाए तो मध्य में आपका बेसिन के रूप में है ना, है ना, मध्य में जो हिस्सा है वो बेसिन के रूप में है। नीचे जो है वो दंडकारण्य बोलते हैं, जिसमें पहाड़ है, पर्वत है या खाने हैं। उसके बाद ये जो जशपुर वाला एरिया है, ये अपना पाट प्रदेश है। पाट कहने का मतलब है यहाँ पठारी एरिया है, ठीक है। और उसी प्रकार जो बघेलखंड का हिस्सा है वो भी थोड़ा से उसमें पठार पर्वत और बेसिन जैसा हिस्सा है। तो इसी प्रकार हम छत्तीसगढ़ को भौतिक विभाजन के रूप में पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मेनली आपको चार भौतिक विभाजन पढ़ना है। सबसे पहला है महानदी का बेसिन, दूसरा पढ़ना है आपका जशपुर पाट वाला कुछ जशपुर का पाट प्रदेश, तीसरा है आपका बघेलखंड जो आपके कोरिया बलरामपुर और MCB जिला में आता है, तीसरा हो गया, और चौथा है छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग दंडकारण्य। वहाँ की जो हिस्सा है, कहाँ पठार है, कहाँ पर्वत है, कहाँ बेसिन है, कौन सा एरिया कैसा है, कहाँ से नदियाँ गुजरती है, ये सब हमको पढ़ना रहता है भौतिक विभाजन में। तो हमने अभी तक दो पार्ट कवर कर लिया है, एक है बेसिन और दूसरा है जशपुर पार्ट। आज का हमारा टॉपिक है कि बघेलखंड। बघेलखंड किसको बोलते हैं, ये देखिए है ना। वास्तविक में हमारे छत्तीसगढ़ में बघेलखंड नामकरण हमारे छत्तीसगढ़ से नहीं हुआ है। ये जब हम इंडियन GS भूगोल पढ़ते हैं तो वहाँ बघेलखंड हम पढ़ते हैं, उसी बघेलखंड का ये पूर्वी भाग है ना, उसी बघेलखंड हिस्से का ये जो है ये पूर्वी भाग है। कौन सा पूर्वी भाग है, ये देखिए इतना है ना। भारत में जो हम बघेलखंड का पठार पढ़ते हैं, बघेलखंड का हिस्सा पढ़ते हैं, उसी बघेलखंड का पूर्वी हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ का कुछ भाग है। उसमें आपके मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, कुछ कुछ हिस्से यहाँ पे आते हैं। जैसे कौन कौन से आ जाएगा, बलरामपुर आएगा, कोरिया आएगा, सूरजपुर है, सरगुजा है, इन सब कुछ कुछ हिस्सा इसमें आ जाता है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ का पूरा 15.31% में गिनती होती है। इस पूरा जो हिस्सा है ना, यदि पूरे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल को मिला लिया जाए तो यह जो है 15.31% टोटल आता है। यह बहुत सारे कटे फटे पहाड़ियाँ हैं इस हिस्से में, बहुत सारे कटे फटे पहाड़ियाँ हैं। जैसे कटे फटे मतलब जैसे यहाँ पे शुरू हुआ, फिर ख़त्म हुआ, फिर शुरू हुआ, फिर ख़त्म हुआ, इस प्रकार के कटे फटे पहाड़ियाँ हैं। इस कटे फटे पहाड़ियाँ होने के कारण है ना, यहाँ हमको पाट प्रदेश मिलता है ना, पहाड़ी कगार देखने को मिलता है। अब कगार क्या होता है, जैसे ये पठारी पर्वत है तो ये नीचे हिस्सा बोलते हैं कगार है ना। तो कटे फटे बहुत सारे हैं तो इसमें कगारी हिस्सा बहुत है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब क्या बोलता है, अब ये है कि कटे फटे पहाड़ियाँ हैं। अब इन पहाड़ियों को इसी को हम पाट प्रदेश पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें मध्यवर्ती मैदान और उत्तरी पाट, मध्यवर्ती मैदान, ये देखिए मध्यवर्ती मैदान है ना, जैसे हम छत्तीसगढ़ का बेसिन पढ़ रहे थे, ये मध्यवर्ती मैदान है ना। और उत्तरी पाट, इस पाट को हम उत्तरी पाट बोलते हैं। मध्यवर्ती मैदान नीचे है, उत्तरी पाट मैं अलग अलग कलर में दिखाता हूँ तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए ये है आपका मध्यवर्ती मैदान, ठीक है, ये है आपका मध्यवर्ती मैदान, और ये जो है जो रेड कलर के लिख रहा हूँ वो है आपके पाट प्रदेश, उत्तरी पाट प्रदेश है ना। इसको जो रिहंद और कान्हर नदी अलग करती है, इन दोनों को रिहंद और कान्हर नदी अलग करती है। ये देखिए रिहंद नदी है और एक कान्हर नदी है, यही दो नदियाँ जो है कब बेसिन है या फिर इस नदी का जो हिस्सा है, इसी दो पहाड़ इसी दो भूभाग को यही दो नदियाँ जो है कान्हर और कान्हर और रिहंद बेसिन, ये दोनों को अलग करती है, ठीक है। हसदो और गेज नदी जो है चिरमिरी कोरियागढ़ श्रेणी के किनारे बहती है। हसदेव नदी है वो जो चिरमिरी के ऐसे ऐसी इधर निकलती है, चिरमिरी ऐसे, तो हसदेव नदी ऐसे बहते हुए निकल जाती है। ये है यहाँ पर कोयले की पर्याप्त भंडार है। जो हमारा बघेलखंड है यहाँ कोयले की पर्याप्त भंडार है,
तो कोयले की पर्याप्त भंडार कहाँ है? आपके सोनहत की पहाड़ी पर है, चांग भगार पर है ना, और झारखंड चिरमिरी, इस सब चीज़ों में आपका कोयले की भंडार पाई जाती है। कहाँ कहाँ पे है? सोनहत की पहाड़ी यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा है आपका चिरमिरी है ना, चिरमिरी, चिरमिरी में भी आपका कोयले का भंडार है। और एक होता है आपका चांग भगार देवगढ़ की पहाड़ियाँ, चांग भगार देवगढ़ की पहाड़ियाँ भी हमारे बघेलखंड में रहती है। देखिए ये है चांग भगार देवगढ़ की पहाड़ियाँ। एक होता है चंवर ढाल, जो हमने रायगढ़ के हिस्से में पढ़ा था, ठीक है। एक होता है चंवर ढाल, जिसको हमने रायगढ़ के हिस्से में पढ़ा था, और जो उत्तरी साइड है ना, चांग भगार की पहाड़ियाँ, ये हमारे कोरिया ज़िले में है, कोरिया ज़िले के आसपास ये आपको मिलता है, चांग भगार पहाड़ियाँ, ठीक है। ये है, उसके बाद है धोबा ताल और उमरता पर्वत की पहाड़ी, यहाँ आपके धोबा ताल भी है। देखिए कुछ कुछ पहाड़ियों के नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको शॉर्टकट पूछ दिया जाएगा। दक्षिण पश्चिम हिस्सा में है ये कौन सा है? दक्षिण पश्चिम हिस्सा धोबा ताल पहाड़ियाँ, ये इसके हिस्से में है धोबा ताल पहाड़ियाँ, इस हिस्से में धोबा ताल है। फिर से खाली करता हूँ इसको, इस हिस्से में है आपका धोबा ताल पहाड़ियाँ, ठीक है। धोबा ताल उमरता पहाड़ियाँ आपके इसी हिस्से में है, ठीक है। मुख्य श्रेणी का विस्तार जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर है, मुख्य श्रेणी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर इसकी विस्तार देखी जाती है। उसके बाद इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो क्या होगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यदि देखा जाए तो ये देवगढ़ जो चांग भगार की जो हमारी पहाड़ियाँ है, या फिर ये जो कंप्लीट जो बघेलखंड का पठार है, वो हमारे छत्तीसगढ़ में पहले नहीं था। 1905 में जब अंग्रेज जमाना में जब पांच रियासत को उड़ीसा को दिया गया, और उड़ीसा की पांच रियासत को हमारे पास मिलाया गया, उसी में ये विरासत या फिर बघेलखंड के पठार का हिस्सा हमको मिला है। ये होती है हमकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। रचना क्या है? तो ये रचना इसमें पठारी है, यहाँ कोयले की भंडार पाए जाते हैं इसमें, और गोंडवाना शैलक्रम की इसमें चट्टाने मिलती है, गोंडवाना में ही आपकी कोयले मिलती है ना, इसके दोनों किनारे है ना गोंडवाना युगीन सेल मिलती है ना। सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यहीं से आपका सोन नदी भी मिलती है ना, इसको सोन घाटी या दरार कहते हैं, यहीं से आपका सोन नदी मिलता है ऐसे, और सोन नदी ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ गोंडवाना सेल मिलती है, सोन नदी उत्तर की ओर बहती है। याद रखिएगा, जब पूछा जाएगा कि बघेलखंड के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है, तो वह है आपका सोन नदी, ठीक है। दूसरी ओर मांड और हसदो बहती है, जैसे इधर मांड और हसदो इधर आएगी, ठीक, मांड यहाँ पर रहेगा और हसदो इधर बहती है, ठीक है। और उत्तर की ओर आपकी सोन नदी बहती है, ठीक है। और जो आपकी हसदेव और जो मांड नदी है, वो अंततः आपके महानदी में आके ऐसे मिल जाती है। महानदी में आके कौन सी नदी मिल जाती है आपकी? मांड और हसदो, मांड और हसदो नदी है वो क्या है आपके महानदी में आके मिल जाती है, जबकि सोन नदी जो है वो आपके गंगा अपवाहतंत्र का हिस्सा है, गंगा अपवाहतंत्र का हिस्सा है। इसमें अगला देखते हैं, बघेलखंड में और क्या है, तो इसका अपवाह तंत्र पूछ सकते हैं आप, है ना। अपवाह पूछेगा तो अपवाह में इसका ये ढाल पूछ सकता है, अपवाह की ढाल किस ओर है। देखिए अपवाह में हम इसने को पूरे हम बघेलखंड मान रहे हैं, है ना, इसके नीचे की ओर भी नदी बहती है और ऊपर की ओर, लेकिन यदि हमको ढाल पूछेगा तो हमको दक्षिण से उत्तर बताना है, दक्षिण से उत्तर बताना है किस प्रकार, क्योंकि यहाँ की जो कुछ कुछ नदियाँ हैं जो इसी ओर चली जाती हैं सोन के पास, और यहाँ एक सोन नदी भी है जो ऐसे उत्तर की ओर बहती रहती है, ठीक है। तो नदियों के ढाल के हिसाब से हम ये तय करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया का ढाल किस ओर है। तो बघेलखंड का हिस्सा जो है, बघेलखंड पाठ प्रदेश का हिस्सा, हिस्से का अपवाह तंत्र ढाल जो है दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। इसमें कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो देखिए इसमें वनस्पति आपकी सालवन है, सालवन मिलेगा इसमें वनस्पति में आपका, और यहाँ बहुत सारे जैसे चिरमिरी क्षेत्र में जाएंगे, चिरमिरी के आगे है वैसे सोनहत की पहाड़ियों में, तो इसमें बहुत सारे और मिलेंगे, लेकिन मुख्यतः आपका साल की वने मिलती है। खनिज मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर कोयला मिलता है ना, कोयला है, फिर यूरेनियम है, बेरिल है, ठीक है। इसकी जलवायु जो है, जो छत्तीसगढ़ के समान ही इसकी जलवायु होती है, छत्तीसगढ़ के समान इसकी जलवायु होती है। इसमें अन्य और चीज़ें हैं जानने लायक, वो ये देखिए, वो अन्य जानने लायक ये है कि इसके प्रमुख भूभाग कौन से हैं। इसको बोलते हैं कन्हार बेसिन। अब कन्हार बेसिन कौन सा है? देखिए ये है आपका कन्हार बेसिन, यहाँ के भूभाग में आपको मिलेगा कन्हार बेसिन मिलेगा, रिहंद बेसिन मिलेगा,
ठीक है। अब कन्हार बेसिन के बारे में जानिए, यह उत्तर पूर्व भाग में स्थित होता है, उत्तर पूर्व भाग में है। जो कन्हार बेसिन है इस बघेलखंड के उत्तर पूर्व भाग में है, और जो रिहंद बेसिन है छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में है। रिहंद बेसिन आपका छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में है। चांग भगाड़ देवगढ़ की पहाड़ी है। देखिए ये वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ देता है कि चांग भगाड़ देवगढ़ की पहाड़ी का जिला पूछ देगा, एरिया पूछ देगा, या छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है ये पूछ देगा। तो हम पूरे अभी उत्तर की ओर की अध्ययन कर रहे हैं। यदि छत्तीसगढ़ के सापेक्ष पूछेंगे तो हम जितने भी पढ़ें वो उत्तर की ओर आएगा। लेकिन पर्टिकुलर अगर ये पूछ दिया कि बघेलखंड के किस हिस्से में है या फिर बघेलखंड से किस दिशा में है, तब आपको सोचना पड़ेगा। यदि चांग भगार पहाड़ी है जो बघेलखंड के मध्य में, कोर का कन्हार बेसिन जो है वो बघेलखंड के पूर्वी में है, रिहंद बेसिन भी पूर्वी में है, इसमें सुहागपुर बेसिन आता है। सुहागपुर बेसिन जो है बघेलखंड के आप पश्चिमी भाग में मान सकते हैं, है ना, पश्चिम भाग में मान सकते हैं। और ये कोरिया और सोनहत की पहाड़ियाँ मिलती हैं। मतलब ये है कि आपके जो उत्तरी भाग है वो पहाड़ियाँ पहाड़ पर्वतों से, देख इसमें बड़े बड़े पर्वत नहीं है, जैसे हिमालय जैसे बड़े बड़े पर्वत आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको छोटे छोटे पहाड़ मिलेंगे। यहाँ की जो ज़मीन है वो मैदानी एरिया नहीं है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या भी बहुत छत्तीसगढ़ मैदान की अपेक्षा यहाँ की जनसंख्या का दबाव बहुत कम रहता है। तो ये था हमारा बघेलखंड का पठार, पठार से संबंधित ज्ञान। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।